अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करना है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का इंट्रोडक्शन देखें। बायोडाइवर्सिटी डिराइव फ्रॉम बायो एंड डाइवर्सिटी, दो वर्ड है बायो और डाइवर्सिटी, इनको कंबाइन करके एक वर्ड बायोडाइवर्सिटी बनाया गया है। बायो का मतलब है लाइफ, जो कि इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी में पहले चैप्टर में पढ़ चुके हो। डाइवर्सिटी मीन वेराइटी विद इन अ स्पीशीज, मीन्स के डिफरेंट स्पीशीज़ में वेरिएशन आना, वेराइटी आना, उसको कहते हैं डाइवर्सिटी। आपके पास दो टर्म है, एक फ्लोरा और एक फ्यूना। जो प्लांट की डाइवर्सिटी होती है उनके लिए टर्म यूज़ होती है फ्लोरा, मींस के प्लांट्स में जितनी भी वेरिएशन आती है उसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं फ्लोरा, और एनिमल्स की वेरिएशन के लिए, एनिमल्स की वेराइटी के लिए टर्म यूज़ होती है फ्यूना। डाइवर्सिटी डिपेंड अपॉन, अब डाइवर्सिटी किस चीज़ पर डिपेंड करती है, मीन्स की ऑर्गेनिजम्स की स्पीशीज़ में चेंजेस क्यों आती हैं, इतनी वेरिएशन क्यों है, उसकी वजह क्या है। एक तो क्लाइमेट, दूसरा एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड कहते हैं हाइट को, तीसरा है सॉइल और प्रेजेंस ऑफ अदर स्पीशीज़। ये आपके पास कुछ फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर बायोडाइवर्सिटी डिपेंड कर रही होती है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हुई हुई होती है अर्थ पर, ये आपके पास इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, ठीक है। मींस के ऐसा नहीं है कि जितने एक एरिया में ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट कर रहे हैं उतने ही दूसरे एरिया में एग्जिस्ट करें, तो इस तरह से इनकी कोई इवनली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुई हुई। ये आपके पास डिपेंड करता है, किसी एरिया में ज़्यादा हो सकते हैं ऑर्गेनिज़म्स, किसी में कम हो सकते हैं। जो टेम्परेचर रीजन होते हैं, अच्छा रिचेस्ट इन ट्रॉपिक्स, ठीक है, जो ट्रॉपिकल रीजन होते हैं वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट करती है। इसके अलावा जो टेम्परेचर रीजन होते हैं, जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है वहाँ पर भी डिफरेंट स्पीशीज़ एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। लेकिन जो पोलर रीजन है, मींस कि जहाँ पर सारा साल बर्फ़ वगैरह रहती है, पोलर रीजन्स में, वहाँ पर बहुत कम स्पीशीज़ ऐसी हैं जो एग्जिस्ट कर पाती है, क्योंकि वहाँ पर जो टेम्परेचर होता है वो माइनस में होता है, हर स्पीशी वहाँ पर एग्जिस्ट नहीं कर पाती है। तो इस वजह से कहीं पर बायोडाइवर्सिटी की ज़्यादा होती है, वेरिएशन ज़्यादा होती है, कहीं पर बहुत कम होती है, और कुछ ऐसी भी जगह होती है जहाँ पर बायो लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो उसमें भी डिफरेंट फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं जो हम पीछे पढ़ चुके हैं। क्लाइमेट चेंज हो गया, वो किस वजह से नहीं सर्वाइव कर सकती, क्योंकि हर स्पीशी का अपना मोड ऑफ लाइफ होता है, अपना अंदाज होता है कि वो किस तरह से रहते हैं, कौन से इन्वायरमेंट में रहते हैं, कौन सी कंडीशन उनके लिए फेवरेबल है। तो इन सब चीज़ों के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो बायोडाइवर्सिटी की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इवनली नहीं है। बायोडाइवर्सिटी फाउंड ऑन अर्थ इज रिजल्ट ऑफ 4 मिलियन ईयर्स ऑफ एवोल्यूशन। जो आजकल के दौर में हमारे पास बायोडाइवर्सिटी है, मींस के ऑर्गेनिजम्स में, स्पीशीज़ में इतनी वेराइटी है, वो 4 मिलियन ईयर्स की एवोल्यूशन के बाद आई है। अब एवोल्यूशन का क्या मतलब होता है, एवोल्यूशन का मतलब ये होता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में, किसी भी स्पीशी में टाइम के साथ साथ चेंज आना। मींस के अगर आप देखें कि जो पहले बहुत ज़्यादा, अगर हम पुराने ज़माने के लोगों की बात करें तो उनकी हाइट बहुत ज़्यादा होती थी, उनकी एज बहुत ज़्यादा होती थी, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता गया, नॉर्मल आजकल के दौर में हाइट कितनी रह गई है, 6 फीट हो गई, बहुत ज़्यादा हुआ तो 6.54 इस तरह से हो सकती है, लेकिन इससे ज़्यादा जो है वो एबनॉर्मेलिटी कंसिडर की जा सकती है। तो इस तरह से ये क्या हुआ, सारा आहिस्ता आहिस्ता टाइम के साथ साथ चेंजेस आना शुरू हुई, तो उसको हम कहते हैं, किसी भी स्पीशी में टाइम के साथ साथ चेंजेस आ जाएँ उस प्रोसेस को कहा जाता है एवोल्यूशन। तो हमारे पास जो आजकल के दौर में बायोडाइवर्सिटी एग्जिस्ट कर रही है, इतनी वेरिएशन है, वेराइटी है ऑर्गेनिजम्स के दरमियान में, वो किस वजह से है, 4 बिलियन ईयर्स की एवोल्यूशन के बाद आई है ये। इम्पॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी की इम्पॉर्टेंस क्या है, फर्स्ट पॉइंट देखें, प्रोवाइड फूड फॉर ह्यूमंस, ह्यूमंस के लिए फूड प्रोवाइड करती है। किस तरह से, मींस के जितनी ज़्यादा वेरिएशन होगी प्लांट्स की, ठीक है, प्लांट्स एज अ फूड यूज़ करते हैं ह्यूमन बींग्स, जितनी ज़्यादा वेरिएशन होगी उतनी ज़्यादा टाइप्स के आप फूड ले सकते हो। इसी तरह से एनिमल्स भी, जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो ओमनीवोर्स होते हैं, मींस के फ्लैश ईटर्स भी होते हैं, मींस के मीट भी खाते हैं और प्लांट्स भी, तो इस वजह से उसमें फूड प्रोवाइड करने का बायस बनती है। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सोर्स ऑफ बायोलॉजिकल ड्रग्स, बायोलॉजिकल ड्रग्स की बात हो रही है, मींस के मेडिसिंस की बात हो रही है, ठीक है। जैसे पुराने ज़माने में जड़ी बूटियों से इलाज किया जाता था, तो इस तरह से जो डिफरेंट ड्रग्स होती हैं, मेडिसिनल ड्रग खास तौर पर, वो या तो डायरेक्टली प्लांट से ली जाती हैं, एनिमल्स के कुछ पार्ट से ली जाती है, या इनडायरेक्टली उनका कोई ना कोई सोर्स होता है। सोर्स ऑफ वाइड रेंज ऑफ इंडस्ट्रियल मटीरियल, डिफरेंट इंडस्ट्रियल मटीरियल हैं, जैसे कि वुड हो गया, रबर, ऑयल, ये डिफरेंट इंडस्ट्रियल मटीरियल्स हैं जो कि बायोडाइवर्सिटी से हम ले सकते हैं, सोर्स है बायोडाइवर्सिटी इनका।
अब वुड रबर ऑयल किस वजह से प्लांट्स में वेरिएशन होगी, कुछ प्लांट की वुड यूज़ होती है फर्नीचर वगैरह या इंडस्ट्री जो इंडस्ट्रीज होती हैं उनमें काम करते हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स बन रही होती हैं उसके लिए। इसके अलावा ऑयल और रबर वगैरह कुछ प्लांट्स से ले सकते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट है हेल्प इन मेकिंग एंड मेंटेनिंग इकोसिस्टम। इकोसिस्टम को मेंटेन किया हुआ होता है बायोडाइवर्सिटी ने किस तरह से। अब आपको पता है जैसे प्लांट्स और एनिमल्स दो हम अलग अलग देखें, वेरिएशन है, दो अलग अलग स्पीशीज़ है। प्लांट्स की अमाउंट अगर ज़्यादा हो जाएगी उतने ज़्यादा ऑक्सीजन होंगे, मीन्स अगर प्लांट्स और एनिमल्स इक्वल होंगे तो बायोडाइवर्सिटी जो है वो आपके पास एग्जिस्ट कर रही है। दो तरह की अगर हम सिर्फ बात करें तो इकोसिस्टम उसमें बैलेंस रहता है, मींस के जितने प्लांट हैं वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहे हैं और एनिमल्स वही ऑक्सीजन यूज़ कर रहे हैं। लेकिन अगर आपके पास एनिमल ज़्यादा हो जाए, प्लांट्स कम हो जाए, तो बायोडाइवर्सिटी की में चेंज आ जाएगा, ठीक है। तो जिसकी वजह से इकोसिस्टम बैलेंस नहीं रहेगा। तो इकोसिस्टम को एक तरह से बनाने और उसको मेंटेन रखने में बायोडाइवर्सिटी इन्वॉल्व है। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन एम्स एंड प्रिंसिपल्स। क्लासिफिकेशन एम्स और प्रिंसिपल, अब हमने बायोडाइवर्सिटी का डिस्कस कर लिया कि बायोडाइवर्सिटी हम कहते हैं कि स्पीशीज़ के दरमियान में जितने भी आपके पास वेरिएशन आई, वेराइटी आई है, उसको हमने बायोडाइवर्सिटी क्लियर कर दिया। लेकिन अब क्लासिफिकेशन एम्स एंड प्रिंसिपल, अब क्लासिफिकेशन किस वजह से होती है, तो फर्स्ट हम उसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं थोड़ा सा। ये देयर इज़ अ लार्ज कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म फाउंड ऑन अर्थ। पूरी ज़मीन पर अगर देखा जाए, अर्थ प्लैनेट है, बायोस्फीयर है, उस पर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं। उनमें आपके पास 1.5 मिलियन टाइप्स के सिर्फ एनिमल्स हैं और 0.5 मिलियन टाइप्स के प्लांट एग्जिस्ट कर रहे हैं। और ये जो आपके पास नंबर्स दिए, आपको जो वैल्यूज़ दी गई हैं, ये आपके पास क्या है, सिर्फ जो अभी तक बायोलॉजिस्ट के नॉलेज में है। इसके अलावा बहुत सी ऐसी स्पीशीज़ हैं जिनके बारे में अभी तक रिसर्च स्टार्ट नहीं हुई, बायोलॉजिस्ट ने उस पर वर्किंग स्टार्ट नहीं की, तो वो अभी तक बायोलॉजिस्ट को पता ही नहीं है कि लेकिन वो स्पीशीज़ डिफरेंट एग्जिस्ट कर रही हैं। तो अब इन सारे ईच ऑर्गेनिज्म हैज़ इट ऑन वे ऑफ लाइफ, जैसे मैंने पहले भी बता दिया, हर ऑर्गेनिज्म जो है उसका अपना रहने का अंदाज़ होता है। जैसे गेटिंग फूड, वो किस तरह से फूड ले रहे हैं, अवॉइडिंग अनफेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन, जो अनफेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन है उसको किस तरह से अवॉइड कर रहे हैं, उससे किस तरह से सामना कर रहे हैं। तो हर एक ऑर्गेनिज़म्स का अपना वे ऑफ लाइफ होता है, तो उन सब चीज़ों को हम एट अ टाइम एक जगह पर डिस्कस नहीं कर सकते, ठीक है। क्लासिफिकेशन हम कहते हैं टू स्टडी सच अ लार्ज कलेक्शन। अब हमारे पास इतनी ज़्यादा वेराइटी आ गई, इतने ज़्यादा ऑर्गेनिज़म्स आ गए, उन सबको एक साथ स्टडी करना पॉसिबल नहीं है बायोलॉजिस्ट के लिए। तो जिसकी वजह से ऑर्गेनिज़म्स, डिफरेंट ऑर्गेनिज़म्स को ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया है। इसके अलावा इसमें आपके पास फॉर दिस टास्क दे रिक्वायर सम सिस्टम, तो इनको ऐसे ही नहीं आपके पास जो क्लासिफिकेशन की गई वो ऐसे ही नहीं कर दी गई कि प्लांट्स जितने भी हैं उन सबको एक कैटेगरी में रख दिया जाए, एनिमल्स को अलग कैटेगरी में। तो क्लासिफिकेशन के भी कुछ असूल होते हैं, एक पूरा का पूरा मेथड होता है जिसको फॉलो करते हुए क्लासिफिकेशन की जाती है। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं क्लासिफिकेशन होती क्या है। बायोलॉजी के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज़ अ मेथड बाय विच बायोलॉजिस्ट डिवाइड ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आपके पास वो मेथड होता है जिसमें बायोलॉजिस्ट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। ये क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन हो गई। नेक्स्ट है एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मकसद क्या है, तो पहला आपके पास पॉइंट क्या है, जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें वेराइटी है तो उनकी सिमिलैरिटीज़, उनके दरमियान क्या, कौन सी चीज़ें एक जैसी हैं, सिमिलर हैं, और कौन सी चीज़ें डिफरेंस हैं, ठीक है। तो सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंट को स्टडी करने के लिए क्लासिफिकेशन की जाती है। और दूसरा एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। एवोल्यूशनरी मैंने आपको बता दिया, जैसे आहिस्ता आहिस्ता टाइम के साथ साथ चेंज आता जाएगा, तो हम इसमें आपके सिंपल कह सकते हो कि अबाव अजदाद को देखा जाता है, इनका अबाव अजदाद से क्या रिलेशनशिप है, मीन्स के पहले वो ऑर्गेनिज़म्स किस तरह के थे, किस टाइप के होते थे, क्या क्या उनके अंदर चीज़ें एग्जिस्ट करती थी, और टाइम के साथ साथ वो चीज़ें कौन सी ऐसी चीज़ें थी जो ख़त्म हो गई, पहले ज़माने में थी, अब नहीं एग्जिस्ट करती, स्पीशी सेम है। तो उन सब चीज़ों को डिस्कस किया जाता है, उन सब चीज़ों को डिस्कस करने के लिए क्लासिफिकेशन की जाती है। नेक्स्ट है आपके पास टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी ये आपके पास एक ब्रांच होती है जो आप फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द क्लासिफिकेशन, जो क्लासिफिकेशन से डील करते हैं, मींस कि और कौन से ऑर्गेनिजम्स को कौन से ग्रुप सब ग्रुप में डालना है, तो इस सब का आपके पास टैक्सोनॉमी में इसको स्टडी किया जाता है। सेकेंड है सिस्टेमिक्स।
सिस्टेमिक द ब्रांच विच डील विद द क्लासिफिकेशन एंड ऑल्सो ट्रेसिस द एवोल्यूशनरी हिस्ट्रीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स. एक तो इसमें क्या होता है कि क्लासिफिकेशन को डिस्कस किया जाता है, ठीक है, कि कौन से ऑर्गेनिज्म को किस तरह से क्लासीफाई करना है, कौन सा ऑर्गेनिज्म किस ग्रुप में जाएगा. दूसरी बात यह कि उसमें एवोल्यूशनरी हिस्ट्री भी देखी जाती है, मीन्स कि जिनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, जिनके आबाओ अजदाद सेम होते हैं, उनको सेम ग्रुप में डाला जाता है, क्योंकि उसमें से आपके पास क्या है, ऑफस्प्रिंग, जो आपके पास एक इनहेरिटेड चीज़ चल रही है, नस्ल जो चल रही है एक, वो एक ही ग्रुप में डाला जाता है उनको. तो ये सब कुछ स्टडी किया जाता है सिस्टेमिक्स में, जो कि ये भी एक बायोलॉजी की ब्रांच है. ओके स्टूडेंट, आई होप सो आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा. अगर इससे रिलेटेड आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन है तो वो आप पूछ सकते हैं. ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर.